मोहन हो या मुस्तफा, राहुल हो या रहमान, सबको अपने घर पर लगाना होगा तिरंगा। जिसने तिरंगा नहीं लगाया वह कहलाएगा राष्ट्र विरोधी। CAA NRC लागू होने से पहले क्या है मोदी शाह का प्लान? आखिर हर घर पर तिरंगा क्यों लहराना चाहते हैं मोदी? जानेंगे आप तो मोदी को करेंगे दिल से सैल्यूट। क्या है हर घर तिरंगा अभियान के पीछे का प्लान? जानकर आप भी करेंगे देश के तिरंगे और मोदी पर अभिमान। 2022 में जब PM मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, तब से हर किसी के मन में सवाल उठता है कि सरकार इस अभियान से क्या हासिल करेगी। खास तौर पर विपक्षी दलों के नेता ये जानने में लगे हैं कि इस अभियान से भारत को क्या मिलने वाला है। जाहिर है कि इन सब सवालों को सुन करके आपके मन में भी एक अलग सवाल बैठ ही गया होगा। तो देखिए इस पूरी वीडियो को, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हर घर तिरंगा क्यों लहराना चाहते हैं PM मोदी, ये हम बताएंगे। इस अभियान के पीछे की मोदी साहब की सोच से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक ताजा अपडेट से बात शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस अपडेट को जानने के बाद से आपका जवाब मिल जाएगा। भारत की आजादी के 75वें वर्ष को पार कर चुका है। इसे यादगार बनाने के लिए 2022 से ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत PM मोदी के ऐलान के बाद से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक सप्ताह पहले से अभियान चलाकर गांव की गलियों से लेकर शहर के चौक चौराहों तक निजी भवनों पर तिरंगे लगाए जाते हैं। PM मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल X की प्रोफाइल तस्वीर भी बदल दी है। अब उस पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। पोस्ट में PM ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने अपने प्रोफाइल फोटो बदलने के साथ ही लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आप भी मेरे साथ मिलकर हमारे तिरंगे का जश्न मनाएं। और हां, अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर जरूर शेयर करें। हर घर तिरंगा अभियान साल 2022 में शुरू किया गया। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर PM मोदी ने देशवासियों से अपने घरों की छतों पर देश का झंडा लहराने की अपील की थी। इस अभियान से पहले झंडा फहराने के नियमों में भी बदलाव किया गया और रात में फहराने की भी इजाजत दे दी गई। पूर्वांचल समाचार भी आपसे अपील करता है कि इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराइए। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव सरकार द्वारा स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर अपने देश के गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए शुरू की गई एक मुहिम है। महोत्सव भारत में लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को अपने विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उसके भीतर PM मोदी के सक्षम भारत को सक्रिय करने के दृष्टिकोण से सक्रिय क्षमता भी जागृत की। अब आपको बताते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के पीछे मोदी का प्लान क्या है। पिछले कुछ सालों से देश विरोधी ताकतों का तेजी से जन्म हो रहा है। खालिस्तानी संगठन हो या हिंदुस्तान के भीतर पलने वाला PFI, वो हर तरह से भारत को तोड़ना चाहता है। सरकार को ये बात पता है कि देश विरोधी ताकतों को रोकना हर हाल में होगा। इसके लिए देश के हर नागरिक के दिल में देश प्रेम की ज्वाला जलनी चाहिए। दरअसल PM मोदी देश के बच्चे बच्चे में देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना चाहते हैं। जब करोड़ों लोग आजादी का जश्न मना रहे होंगे और अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके देश प्रेम की अलग ज्वाला उठेगी। PM मोदी चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत जैसा सुपर पावर देश बने जिसके आगे कोई दूसरा देश टिक नहीं पाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब देश के हर नागरिक में देश प्रेम की भावना सबसे ऊपर हो और हर भारतीय के लिए अपना परिवार, अपने माँ बाप और अपने बच्चे बाद में हो और देश पहले हो। जब हर घर में सुबह शाम उठते बैठते परिवार के सदस्यों को तिरंगा दिखेगा, तो अपने आप ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। जिस तरह से अमेरिका जैसा देश भी अमेरिका फर्स्ट का नारा देता है, उसका यही मतलब है कि हर अमेरिकी के लिए सबसे पहले उसका देश है और इसी वजह से अमेरिका महाशक्ति बनता है। PM मोदी भी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना चाहते हैं। इसी वजह से हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा लहराना मोदी का लक्ष्य है। और अगर हर नागरिक के दिल में देश प्रेम जगाना चाहते हैं, अगर आप भी PM मोदी के इस अभियान से खुश हैं और इस अभियान को समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।